तो दोस्तों, टाटा कंपनी जो है बहुत ही खर्च की है और खर्च करके इसको बनाया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। तो दोस्तों, आज धनबाद में मैं हूँ और टाटा कलवरी में जो यहाँ काम करते हैं, जो टाटा कंपनी के हैं, तो उनके जो बच्चे जो हैं वर्कर के इस स्कूल में रहते हैं, मैं इसका थोड़ा सा वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत अमेजन। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत बनाया गया है। मुस्कान लिखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह से हम अंदर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हो गया। और यहाँ जो है अभी तो बंद है, तो इसलिए यहाँ पर अभी बच्चे नहीं हैं और नहीं कोई है, एकाध आदमी जो सिर्फ देखने वाले हैं। और यहाँ देखिए प्रिया जी हैं और साथ में यहाँ देखिए कार्टून लगा हुआ है, आप इधर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा कंपनी जो है बहुत ही खर्च की है और खर्च करके इसको बनाया है और बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बारे में दादाजी बताएंगे थोड़ा सा। तो दादाजी बताइए थोड़ा इसके बारे में। यहाँ का जो वर्कर है उनका बच्चे को यहाँ रखने का स्थान, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ड्यूटी करते हैं तो उनका बच्चा को यहाँ रखेंगे, फिर ड्यूटी से दोनों आदमी छूटेंगे तो अपना बच्चा को ले जाकर फिर अपना घर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। और ये देख लीजिए कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, ककागा भी देख सकते हैं। और ये खिड़की है, विंडो जो खींचेंगे तो खुल जाएगा। और ये देखिए इस तरह से, मतलब एक बच्चे को इसमें सोने के लिए बहुत ही आराम से कार्टून वाला बनाया गया है। और यह गद्दा है और जो बहुत ही सॉफ्ट है और मुलायम है और बहुत ही गर्मी रखता है, अभी ठंड का मौसम है इसके लिए। और साथ में ये देखिए दीवालों पर पूरा एंजल यानी परी ही परी आपको नजर आएगी और बहुत खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं ये पूरा। उसके बाद ये देख लीजिए, दादाजी घुमा रहे हैं पूरा। और ये देख लीजिए, अच्छा ये झुलवा खेलने वाला है ना, और अच्छा। और नीचे जो देख रहे हैं ना, ये मैट है जो बच्चों के लिए आता है, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इस पर देखिए बच्चे चढ़ते हैं और आराम से स्लीपिंग भी करते हैं, झूला भी झूलते हैं। और इस तरह से आप देख लीजिए कि बैकग्राउंड जो है काफी सुंदर बनाया गया है। और ये देख लीजिए, मैंने फुल कलर है, अगर इसका बैकग्राउंड का अगर हम बात करें तो ये भी इसको चिपकाया गया है, हाँ वॉलपेपर है ये। ये देखिए वॉलपेपर यहाँ आपसे नजर आ रहा हो, ये मोटा जो है सो वॉलपेपर है। और ये गेट हो गया। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। और ये देख लीजिए, और ये देखिए ऊपर में फैन। और ये खेलने के लिए छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए, ये आपको सेटल करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए, हाँ इसमें बिस्तर भी लगा हुआ है जो हमने आपको दिखाया, एक छोटा सा चेयर है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो है काफी ही सॉफ्ट होता है, जो मैं पहले आपको बताया। और यहाँ देखिए बच्चों का जो डिनर होता है उसके लिए यहाँ पर एक टेबल लगाया गया है, यहाँ पर 10 से 10 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए फिगर वगैरह, फिर वॉशरूम यहाँ पर है बच्चों के लिए। और ये देखिए एक छोटा सा वॉशरूम है यहाँ, और एक लाइफ बॉय के यहाँ रखा हुआ है जो बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं आप वॉशरूम। हाँ, और ये वॉशरूम हो गया अंदर में, वो भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप इस तरह से। और यहाँ देखिए सारा चीज लिखा हुआ है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये आपको माइक है यानी इसको बजाइए और यहाँ बच्चा जो है से गाएगा और कुछ म्यूजिक जो से है निकालेगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ एक काउंटर बनाया गया है, रिसेप्शन काउंटर टाइप के, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये नीचे वाला देखिए तो स्विच रैक, हाँ रैक है, उसको देखिए तो खोल के ओपन करके बंद है, छोड़ दीजिए सर अभी बंद है वो, तो इस तरह से। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप यहाँ पर यहाँ काम करते हैं हटो बटा। अच्छा, ये यहाँ पर देख रेख करें, अभी कोई नहीं है ना,
नहीं, अभी बच्चा नहीं है। अभी बच्चा नहीं है, कब आएंगे? कब आएगा क्या पता, कोई पता नहीं, लॉकडाउन है इसलिए आया नहीं। अच्छा, लॉकडाउन के चलते सारा चीज बंद है, है ना? काम भी उन लोग का बंद है? नहीं, काम तो बंद नहीं है, काम तो चालू ही है, मगर बच्चे जो है से नहीं आ रहे। हाँ, हम लॉकडाउन से बंद है। तो आप यहाँ देख रेख सफाई वगैरह करते रहते? सफाई बच्चा भी आने से देखभाल करते। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। दोस्तों, एक यह छोटा सा वीडियो था, तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, बाय बाय।